नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कुछ युवक युवतियां बेरोजगारी को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन में एक दृश्य देखने वाला है जिसमें एक मां अपने 3 महीने की बच्ची के साथ धरने पर बैठ गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बेरोजगारी का आलम कितना बढ़ गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे युवक और युवतियां, जो 3 वर्ष पूर्व गृह रक्षा वाहिनी धनबाद जिला की भर्ती हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया में ये सारे युवक युवतियां शारीरिक क्षमता, शारीरिक जांच सभी में उत्तीर्ण होने के बाद सैलरी अकाउंट आने के बाद प्रशिक्षण की लिस्ट जारी की गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक कोई आगे की प्रक्रिया, ट्रेनिंग कब और किस स्थान पर होगी, ये अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन युवाओं और युवतियों का कहना है कि बेरोजगारी का आलम कुछ इस है, आज हम इतने हार चुके हैं कि घर का इतना प्रेशर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारणवश हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमें धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक झारखंड सरकार हमें ये स्पष्ट ना कर दे कि हमारी आगे की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी प्रशिक्षण। हमारी जो लड़ाई है सरकार और हम डाक विभाग से, कि हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ मिलता ही नहीं। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 4 स्तंभ होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमने विधायिका से अपनी फरियाद सुनाई, सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कार्यपालिका के समक्ष अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूँ कि संविधान, क्योंकि भारत देश एक गणतंत्र देश है, यहाँ एक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है, इस देश का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है, लेकिन आज हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है, अरे इस देश में पशुओं के लिए अधिकार है, टाइगर रिजर्व, इस देश में वनों का अधिकार है, वन संरक्षण अधिनियम, लेकिन इंसान का अधिकार दिनों दिन लोग हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, गलत बात है। कागजों में भारत देश किसानों का देश है, वास्तव में भारत देश चंद पूंजीपतियों का देश बन के रह गया है। सत्ता आज जो भी सरकारें आती हैं, वह सबसे पहले युवाओं को टारगेट करती है कि युवा के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे आराम से सो जाते हैं और युवा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आप लोग ये धरना कितने दिन तक दे रहे हैं? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है, जब तक एक सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, एक सकारात्मक आश्वासन प्रशासन अथवा विभाग के द्वारा नहीं आएगा, तब तक ये धरना दिया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार महतो, बलियापुर। और साथ ही साथ अगर इस प्रक्रिया में अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और आत्मदाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। आप किस कार्य यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? रक्षा वाहिनी ट्रेनिंग के हेतु बुनियाद पे हम लोग धरना किए। तो क्या धरना आप किनके खिलाफ कहती है? झारखंड सरकार और विभाग के खिलाफ। तो मांगे क्या आपकी? मांगे कि हम लोग की ट्रेनिंग दिया जाए, हम लोग को ये नौकरी मिला जाए, हम लोग बेरोजगार है, रोजगार को ही हम लोग की स्थिति भी बहुत खराब है, सबकी स्थिति खराब है। बहुत मेहनत करके आगे हम लोग इतना आगे बढ़े तो कुछ हो ही नहीं रहा। ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया कब से चालू हुई थी? 2017 से। बहाली प्रक्रिया कितने दिन पहले हुई थी? 2017 मतलब ये आपकी 4 साल की प्रक्रिया, जो अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई? कोई सुनवाई नहीं। ट्रेनिंग हो गया, मेरिट लिस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, बैंक का खाता, सारा प्रक्रिया हो चुका है, यहाँ तक कि पीएफ खाता, पीएफ भी कटता, एटीएम चार्ज भी कटता है, ट्रेनिंग लिस्ट। करीबन कितने लोग आपके ग्रुप में, लगभग कितने लोग के लिए ट्रेनिंग किए गए थे, जो कि अब तक 737 में ट्रेनिंग में एक भी बंदे गए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं गए, एक भी बंदे नहीं। तो आपने जो आपके लिए आर्थिक किए हैं, ये कितने दिन तक ही रहेगी? कोई दिन ऐसे अनिश्चितकाल, अनिश्चितकाल, जब तक आप लोगों की सुनवाई नहीं की जाएगी झारखंड सरकार द्वारा, तब तक आप लोग यहाँ से नहीं उठेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपलब्ध जी। आप लोग जो धरना में बैठे हैं, इसमें आप अपने बच्चे को भी यहाँ लेकर आ गए, क्या कितनी इमरजेंसी आपकी थी कि जो आपके बच्चे को भी यहाँ लेकर आ चुके हैं? बेरोजगारी इतनी है, इतना है ना, बच्चे को पिलाना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कितना
पूरी जर्जर हो चुकी है और आपकी सुनवाई कोई नहीं करना चाह रहा है, सरकार कोई हुई है ना। सर ये लोग जो धरना दिए हुए हैं तो इसके बारे में सर आप लोगों की जो इन लोगों की समस्या तो क्या राय आप लोगों की किया गया डिपार्टमेंट की ओर से? नहीं मेरे सर जिला स्तर पर इसका कोई निदान नहीं है, जो होगा वह हेडक्वार्टर है उच्च स्तरीय है, जांच चल रही है, अब जो डिसीजन होगा वही होगा। जी सर आपका क्या नाम है सर? धर्मदेव उपाध्याय। आपकी पोस्ट क्या है? इंस्पेक्टर। जी क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।